लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि एचएमआई को पीएलसी से कैसे कनेक्ट किया जाता है। आज के लेक्चर्स के अंदर में हम लोग टैग क्रिएशन और प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे। टैग क्रिएशन के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ चेक करनी होती है वो रहती है कनेक्शन, एचएमआई टैग एंड कनेक्शन। सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारा पीएलसी जो है वो कनेक्टेड है क्या नहीं एचएमआई से। तो अभी देखिए, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने एच एम आई को पी एल सी के साथ कनेक्ट किया था। आप चाहो तो यहाँ पर अलग और एच एम आई ऐड कर सकते हो और अलग स्टेशन ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर एच एम आई अंडर स्कोर 2 लिखता हूँ, ओके, और ये सेम ड्राइवर दिखाया। आप चाहो तो अलग पी एल सी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करूँगे तो आपको मिसुबिशी एफ एक्स, मिसुबिशी एम सी, टी पी सी आई पी, मोदीकॉन, ओ पी सी यू ए, सीमेटिक एच एम आई, एस टी टी पी, S7 1200, S7 200, S7 300, 400, अगर से ऊपर ही में जाऊँगे तो एल एम ब्रेडली डी पी, ये अलग लोगोज, ये अलग अलग कंपनी ओमरॉन, अलग अलग कंपनीज की पी एल सी के साथ हम लोग कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो हम अभी बाय डिफॉल्ट जो हमारा कनेक्टेड है इसी के साथ में स्टिक रहेंगे और इसी के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला कनेक्शन जो कि हमारा अप्रूव्ड है, हमने बना के रखा हुआ कनेक्शन अपने पीएलसी के साथ। दूसरा है एच एम आई टैग। आप अभी देख पाते हैं कि यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं, सो ऑल टैग। ऑल टैग मतलब सारे के सारे टैग इस ब्लॉक के अंदर में दिखाएंगे जितने ही एच एम आई के अंदर कॉन्फिगर किए हुए। दूसरा है एड न्यू टैग टेबल, अगर से आपको कोई नया टैग टेबल बनाना है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके एक नया टैग टेबल बना सकते हैं। तीसरा है डिफॉल्ट टैग टेबल, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप डिफॉल्ट टैग टेबल देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में क्लॉक 0.5 हर्ट्ज एच एम आई का एक टैग बनाया था जो कि हमने होम पेज पे दिखाया हुआ था, तो वो ये टैग है। तो हम क्या करते हैं, एक नया टैग टेबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट, रीनेम प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आप जब देखते हैं डिफॉल्ट टैग टेबल के अंदर में तो यहाँ पे कनेक्शंस दिए होंगे, यहाँ से आप कनेक्शंस चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आपने वहाँ पर कोई दूसरा कनेक्शन दिया है तो ये टैग हम वहाँ से भी उठा सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर से मैं यहाँ पर कनेक्शंस में जाकर यहाँ पर और एक टैग बनाता हूँ कनेक्शन 1, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते कोई भी एक पी एल सी एलम्ब्रेड, ओके, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमने कनेक्शंस के नाम से कनेक्शन सिलेक्ट कर लिया है, ओके, हमने एलम्ब्रेडली सिलेक्ट कर लिया। एलम्ब्रेडली सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक सीमेंस के साथ कनेक्शन करेगा S7 1500 और दूसरा एलम्ब्रेडली से कनेक्ट करेगा। तो अभी हम चेक करेंगे, देखो एलम ब्रेडली का आईपी हम लोग ने यहाँ पे डिफरेंट देना चाहिए, हमको यहाँ पे 3 तक के हम लोग ने यूज़ कर लिया था, अभी ये 4 देंगे, ठीक है। हमने आईपी चेक कर लिया यहाँ पर, अभी हमारे पास दो कनेक्शन अवेलेबल है। अब यही चीज़ अगर से हम डिफॉल्ट टैग टेबल में जाते हैं या प्रोजेक्ट में जाते हैं, डिफॉल्ट टैग टेबल तो आप यहाँ से ना एच एम आई कनेक्शन 1 से हटा कर अगर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो कनेक्शन 1 भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप कनेक्शन 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कनेक्शन 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी रेड क्यों हुआ, रेड इसीलिए हुआ क्योंकि ये वाला जो टैग है ये मैंने सीमेंस से उठाया हुआ था, ये मैंने टैग सीमेंस से उठाया था, कनेक्शन वाले टैग से उठाया नहीं है। मतलब कनेक्शन जो है एलम रेडली की पीएलसी मेरे अभी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है और उस पीएलसी में ये नाम का टैग ही अवेलेबल नहीं है, ये टैग ही अवेलेबल नहीं है उस पीएलसी के अंदर, इसीलिए ये रेड दिखा रहा है। तो हम दोबारा जाते हैं एचएमआई के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ से पहले कनेक्शन से इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। अभी हमारा डिफॉल्ट टैग टेबल पर आ गए हैं, हमने ये क्रिएशंस कर लिया। अब प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पर कुछ
बाय डिफॉल्ट इंटरनल मेमोरी बिट्स के थ्रू। आज के लेक्चर्स के अंदर में हम लोग इंटरनल मेमोरी बिट के बारे में ही पढ़ेंगे, कल से हम पीएलसी के साथ लिंक करेंगे। तो हम कुछ टैग बना लेते हैं, ले लेते स्टार्ट पुश बटन। अब यहाँ पे डेटा टाइप दे रहा है बुल, तो एक तो तरीका यहाँ से है कि आप इंट दे रहा है, तो हमको यहाँ पे एक्चुअल में स्टार्ट पुश बटन जो है वो बूलियन टाइप का डेटा टाइप है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं बुल। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करिए बुल, इंटरनल टेक टेबल पीएलसी का डिफाइंड नहीं है। दूसरा और एक ले लेते हैं स्टॉप पुश बटन, इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही आपने स्टार्ट स्टॉप लिया तो बुल अब कंटिन्यूअसली लेना शुरू कर दिया है। अब मान लो यहाँ पर लेवल सेंसर, अगर से मैं लेवल सेंसर लेता हूँ तो लेवल सेंसर का जो डेटा है वो 1 और 0 में नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ वैल्यूज में आएगा, वो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यूज में आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में 15 से 85 का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, पीएलसी प्रोग्राम जब पढ़ रहे थे, तो वो वैल्यू देगा कि आपका 10 मीटर 15 मीटर भरा हुआ है, तो वैल्यू जब देगा तो ये बूलियन डेटा टाइप नहीं चलेगा। तो उस केस में हमको यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा इंट या डबल इंट, इंट ले लेता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो ये इंटीजर अब कंटिन्यूस आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ये हर बार देखना है कि जो आप यहाँ पे टैग दे रहे हो वो यहाँ पे उसका डेटा टाइप प्रॉपर मेंशन हो। तो हम ये हमारा टैग डिफाइंड हो गया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एचएमआई के अंदर स्क्रीन था, स्क्रीन में हमारे पास प्रोजेक्ट वन, दो स्क्रीन थी हमारे पास, होम और स्क्रीन वन, प्रोजेक्ट वन। तो हम प्रोजेक्ट वन पे जाते हैं, प्रोजेक्ट वन पे जाने के बाद हम यहाँ पर नाउ जैसे हम प्रोजेक्ट वन ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट स्क्रीन ओपन करते हैं, तो हमारे पास है टूल बॉक्स के नाम से एक विजार्ड अवेलेबल है, जिसके अंदर में बेसिक ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो हमारा सबसे पहला काम है अभी एलिमेंट्स के साथ, हम एक बटन लेंगे, बटन के साथ एक बटन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब उस बटन को, ये बटन अब टेक्स्ट हाईलाइटेड हो गया है, टेक्स्ट को हम दे देते हैं पुश बटन इस तरीके से, और इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अब इस बटन को यहाँ पर इसका टूल बॉक्स दिया हुआ है कि हम यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, दूसरा इसका फॉन्ट साइज क्या रहेगा, हम बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं पुश बटन का फॉन्ट साइज, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ये पुश बटन है। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। अब ये सारी चीज़ों में क्या क्या अवेलेबल है वो देखिए, जनरल्स के अंदर में टेक्स्ट अवेलेबल है, टेक्स्ट में मैंने लिख दिया है पुश बटन। अपीरियंस कैसी दिखाई देंगी, ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। वर्टिकल रेंज अगर से बढ़ानी है, हॉरिजेंटल रेंज बढ़ानी है, तो यहाँ से आप सॉलिड करना है, सॉलिड कर लो पूरा का पूरा ब्लैक, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब ऐसा फेंट होते जाएगा, वर्टिकल में ऐसा फेंट होते जाएगा, तो हम वर्टिकल ही लेते हैं। उसके बाद अगर से मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वाइट की जगह कुछ और करना है, तो यहाँ से आप वाइट की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मैं येलो ले लेता हूँ, तो अभी देखो टेक्स्ट का कलर येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज करनी है, बॉर्डर की विड्थ सॉलिड चाहिए, कलर अलग करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना है, सॉलिड रखना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करके देखते हैं, देखो ट्रांसपेरेंट होगी, बैकग्राउंड सब कुछ हट गया, सॉलिड रखना है सॉलिड होगी, हॉरिजेंटल ग्राइंडर रखना है हॉरिजेंटल, वर्टिकल वर्टिकल। यहाँ पे आप ग्राइंडर के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, अगर से बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है आपको, मान लीजिए आपको वाइट रखना है, तो आप वाइट रख लीजिए,
यहाँ से आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से देखिए इसका ना जो ग्रेन से ऊपर की जो ग्रेन से बॉर्डर्स के पास की वो चेंज हुआ कलर। तो आप एक एक यहाँ से एक एक चीज़ें ट्रायल लेकर देख सकते हो कि कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं। ग्रेन टू मतलब नीचे की तरफ के ग्रेन जो है वो चेंज हो सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन डिज़ाइन में यहाँ से विड्थ और कलर चेंज कर सकते हो आप। लेआउट अगर से देखेंगे तो लेआउट के अंदर में एक्स वाई ऐसा एक्सिस और ऐसा एक्सिस देखिए, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा देखो ये वैल्यूज बढ़ गई, देखिए ये वैल्यूज कम ज़्यादा हो रही है। अब जब मैं ऐसा बढ़ाऊंगा देखो 67 है, 67 को मैं इस तरीके से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बढ़ गई विड्थ है ना, यहाँ से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते। अब हम सबसे पहला काम रहता है टैग डिफाइन करना। टैग डिफाइन करने के लिए मेरा ये मोमेंट्री बस पुश बटन है। मोमेंट्री पुश बटन का मतलब होता है जब तक कि मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तब तक ये आउटपुट देगा, छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगी। ये बटन है एक्चुअल में नॉर्मल में भी ये बटन है, हमने इसको भी डिफाइन नहीं किया कि किस टाइप की बटन है। हम चाहते हैं कि ये मोमेंट्री पुश बटन बने। मोमेंट्री पुश बटन बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन से इवेंट के अंदर में क्लिक प्रेस रिलीज एक्टिवेट डीएक्टिवेट और चेंज। तो हम प्रेस में जाएंगे, प्रेस में जाने के बाद ऐड फंक्शन में जाएंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप में ड्रॉप आउट में जाएंगे। देखिए और यहाँ पर ना अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल है, तो एडिट बिट में अंदर जाकर एडिट बिट में सेट बिट जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन अवेलेबल है सेट बिट वाइल की प्रेस, सेट बिट वाइल की प्रेस, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कैसा है कि अगर से आपको याद है कि क्या यूज करना है तो आप यहां पर डायरेक्ट लिखो सेट बिट वाइल की प्रेस इस तरीके से। अब यहां पे टैग दे देंगे हम। अब यहां पे टैग देना है देखिए हमने डिफॉल्ट टैग ओपन हुआ है, अभी हमारा एचएमआई के अंदर डिफॉल्ट टैग ओपन हुआ है तो हम प्रोजेक्ट टैग ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास ये सारे टैग्स हमने डिफाइन किए थे तो इसमें हम स्टार्ट पुश बटन ले लेते हैं। तो स्टार्ट पुश बटन ले लिया हमने टैग, तो इसका मतलब ये है कि जब तक के हम प्रेस करके रखेंगे तब तक के ये वन होगी और अगर से हम छोड़ देंगे तो जीरो हो जाएंगे। यही चीज़ हमको अगर से चेक करना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक एलिमेंट के अंदर से एक नंबर ब्लॉक ले लेते हैं और इस नंबर ब्लॉक को टैग देंगे। इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में टैग अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज के अंदर जनरल के अंदर टैग अवेलेबल है। तो जो टैग हमने पुश बटन को दिया है वही टैग इसको भी देंगे, मतलब स्टार्ट पुश बटन का टैग यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन का हमने टैग दे दिया है। अब इसी चीज को अगर से हमको सेंटर में लेना है तो हम यहाँ से सेंटर में ले सकते हैं, सेंटर में ले लेते हैं। अब हम एक और क्या लेते हैं, एक एलिमेंट और लेते हैं ताकि वो विजिबिलिटी दिखाए हमको। हमने एक और एलिमेंट ले लिया ताकि हमको चीज़ों की विजिबिलिटी दिखे। ठीक है, और हम इसका एनिमेशन चेंज करेंगे। विजिबिलिटी में गए, विजिबिलिटी में जाने के बाद स्टार्ट पुश बटन सेलेक्ट करें और हम इसको स्टार्ट पुश बटन और रेंज में 0 to 1 मतलब हमारा जो बूलियन ऑपरेशन है ना 0 से 1 में रहेगा है ना। और हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसका अपीरियंस चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी 0 to 1 विजिबल टैग अपीरियंस
फ्लैशिंग, फ्लैशिंग डिसेबल है तो फ्लैशिंग को इनेबल कर देते हैं यहाँ से, स्टैंडर्ड इनेबल लेआउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चेक करवाते हैं इसका, एक्सपीरियंस में जाकर स्टार्ट पुश बटन दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं 0 रहेगा तो ये कलर और 1 रहेगा इसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। विजिबिलिटी मतलब होता है ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, अपीरियंस मतलब इसका कलर चेंज होगा। हम विजिबिलिटी को यहाँ से डिलीट करते हैं, सिर्फ अपीरियंस रखते हैं, 0 रहेगा तो ये और 1 रहेगा तो ये। ठीक है, अभी हमारा ये रेडी हो गया है बनकर, अब हम इसको ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। पुश बटन को टैग दे दिए, इसको टैग दे दिए, इसको टैग दे दिए, अब इस पे जाएंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। कंपाइल हो रहा है अभी, ये ओपन हो चुका है। इस तरीके से अभी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए काउंट चालू हो चुका है, टाइमिंग चालू हो चुका है, जो हमने लास्ट टाइम टेम्पलेट बनाया था वो टेम्पलेट है। देखिए देखिए जैसे आप प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो रहा है और बाजू में जो सिंबल दिया है, सर्कल दिया है, वो ग्रीन हो रहा है। देखिए इस तरीके से, तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये पुश बटन 0 से 1 स्टेट में जा रही है, पुश बटन 0 से 1 स्टेट में जा रही है, और उसी के केस में ये जो सिंबल है, ये जो लैंप है, वो ऑन ऑफ से ऑन स्टेट में जा रहा है। मतलब जब जब ये 1 स्टेट में जाएंगे पुश बटन, तब तब ये जो लैंप है वो ऑन होगा। 1 ऑन 0 ऑफ, 1 ऑन 0 ऑफ, इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि एक पुश बटन, एक न्यूमेरिक टेक्स्ट डिस्प्ले और एक लैम्प, ये तीनों के फंक्शंस कैसे हम लोग टैग डिफाइन करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं और किस तरीके से लिंक करते हैं सिस्टम के साथ, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन देखेंगे। पीएलसी के प्रोग्राम में कैसे चेंजेस होते हैं और पीएलसी के आउटपुट को कैसे विजिबल और इंटीग्रेट करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर से पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।